खेती करनी है, लेकिन क्या होगा मेरा भाई जो बैल है वो बैल के जो पांव है वो खराब हो गए, उसके अंदर फस पकड़ गए और सड़ रहे, मैं बहुत ज्यादा जगह से घुमा हुआ लेकिन उसका पैर जो है अच्छा ही नहीं हुआ, क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और अभी बारिश नजदीक आएगा, उससे पहले मुझे क्या लगा खेती दुकान नहीं लगेगी तो अच्छा है। अभी ये आदमी को सुझा है क्या करो, वो ऐसे बैठा तो वो आदमी जो दोस्त था उसका जो गया उसके घर में, बोला रुक मैं आता हूँ, और ये घर में गया, ये घर में गया और घर में गया, अभी उसके पास और कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो क्या अपना स्टोव, क्या था स्टोव साबुन। उसको वो ऐसे सेमिनार में आया था, उसको ये पता था कि गर्मियों की वजह से बहुत सारी तकलीफें दूर होती है, अनपढ़ था अभी लेकिन उसको ये बात पता थी कि एरोडोमा इस्तेमाल करने से बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। तो उसने अच्छा सोप में भी वही एरोडोमा है, तो उसने क्या किया उस सोप को पिघला दिया और उसको क्या किया पेस्ट जैसे बना दिया, पेस्ट जैसे बना दिया और लगे गया। और वो जो दोस्त बैठा था उसको लगा किधर है, वो चले गए और वो बैल के पास, बैल के अंदर जो पांव मुझे खराब हो रहा था बैल के अंदर, उसने क्या वो पेस्ट जैसे साबुन का पेस्ट बनाया था वो उसके अंदर डाल दिया और क्या किया बांध के रखा, बोला अभी चार दिन से खोलना नहीं, अभी ये हो गया चार दिन के बाद देते हैं तो बैल उठ के खड़ा हो गया, हफ्ते भर में ठीक हो गया। ये क्या हो गया इफेक्ट यूज हो गया ना, कंपनी से कोई क्लेम नहीं करती लेकिन उस आदमी दिमाग क्या लगा कि इसके अंदर गैनोरमा है, गैनोरमा है तो कोई डरने की बात नहीं है, गैनोरमा काम तो करेगा ही। और उसने क्या किया आपने दिमाग लगाया वो बदल दिया, वो लगा के बोले दोस्त को बोला नहीं ये साबुन है बोली, उसने क्या बोला ये जड़ी बूटी का ये ऐसा है पेस्ट है, एक मैं बम्बई से लेके आ लगा दो। उस आदमी का विश्वास बैठ गया है ये क्या ये कोई आयुर्वेदिक है जड़ी बूटी का है तो इससे पैर ठीक हो गया और वो ठीक हो गया। जब भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके इफेक्टिव यूज क्या है। अगर आप इस्तेमाल करने चाय पियेंगे लोग बोलते हैं चाय कैसे पीती है, अरे ये चाय पीने से देखो एसिडिटी होती है क्या नहीं, इसका पता कब चलेगा आपको यूज करेंगे बराबर है, इसलिए इसके जो यूज करने के बाद आपको आपको इफेक्टिव यूज पता चलेगा क्या क्या किस चीज में काम कर रहा है। किसी को लगा रहे ये चाय में मुझे बहुत भूख अच्छी लगती है, पहले मुझे भूख नहीं लगती थी लेकिन ये चाय में से मुझे भूख अच्छी लगने लगी, एसिडिटी भी नहीं हो रही, मतलब क्या उसको यूज पता चल गया। डिस्कवर देयर इम्यूनिटी यूज, और हम खुद और निकाल सकते हैं, जैसे उस आदमी ने अपना दिमाग लगाया और क्या किया जो और कुछ चीज नहीं है तुम सर सामने ले ले ले। अपना दिमाग चलाया, वैसे आप भी कोई इस्तेमाल कर सकते कि नहीं अच्छा क्या 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 प्रोडक्ट है उसका और क्या इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोई कोई बोलता कि जल गया कर दिया तो पेस्ट और पानी हो भी लगा दाग धब्बे नहीं रहेंगे, लोगों ने अपना दिमाग चला के एक उसका और एक उपाय निकाला और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल ऐसे इस्तेमाल करने से भी ये काम करता है, ऐसा उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो क्या हम ऐसे कई सारे निकाल सकते हैं कि अपने आइडिया निकाल सकते एक्सपीरियंस से बेनिफिट्स, यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे बेनिफिट वहां पर हो रहे फायदा हो रहा है, अगर हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कैसे एक्सपीरियंस आएगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं, और जब भी एक्सपीरियंस आएगा तो क्या करेंगे हम लोगों से पूरा शेयर शेयर करेंगे, ये चीज मुझे अच्छी लगी चल तुम इस्तेमाल कर, ये हमारा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 12 साल से वही चीज कर रहा हूँ, ये क्या मेरा एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे जो हमें एक्सपीरियंस आता है हम क्या करें तुरंत शेयर कर सकते हैं। चलो मैं बिग बाजार नहीं गया और वहां से कर सेल लगा हुआ है मैंने खरीद ले गया, बोले कि मेरा क्या हुआ एक्सपीरियंस हुआ, और जैसे मेरे दोस्त मिला तो क्या हुआ मैंने बोल दिया अरे तुरंत जा बिग बाजार गए वहां पे बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है, क्या हो गया मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी मुझे बताइए उस एक्सपीरियंस से उसको फायदा हुआ है नुकसान हुआ, फायदा हुआ, जिंदगी में ऐसे कर देना बराबर है, लेकिन हर चीज हम कोई फायदे के लिए करते हैं क्या नहीं, उसको फायदा हुआ अपने कुछ फायदा हुआ क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर जब आप एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे ये फायदा हो रहा है तो क्या करेंगे लोग इस्तेमाल करना चालू करेंगे, आपसे मांगेंगे चलो मुझे भी दे दो, तो क्या हो जाएगा पहला फायदा किसको होगा जो इस्तेमाल कर रहा है उसको पहला फायदा होगा, सेकेंड फायदा आपको होगा, वहां पर आपको कुछ नहीं फायदा हो रहा है।
यहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस का फायदा हो जाएगा, नॉर्मल जिंदगी में जो नहीं होता है। यूज द प्रोडक्ट और क्या है, सीड स्टॉक प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस व्यवसाय में आए हैं लेकिन क्या मालूम है इसमें कुछ लागत भी है ना, इसलिए हम कामयाब नहीं होते, छोड़ने के बाद रन करते। अभी मुझे बताइए, रात के समय है, एक दोस्त आपके घर में है, आपने उसको चाय पिलाई, चाय बहुत अच्छी लगी। अभी क्या होगा, उस दोस्त अरे चाय बहुत अच्छी, मुझे चाय चाहिए। अभी आपके घर में आप क्या बोलेंगे, कल सुबह आ जा 11 बजे हमारा ऑफिस खुलेगा और क्या हो जाएगा, तो फिर मैं दे दूंगा। फिर उसका दूसरे दिन उस दोस्त का कभी सुबह 11 होता है क्या, वो अपने काम में बिजी हो गया, वो चला गया और आपको कस्टमर भी क्या हुआ है, चला गया। तो क्या है, आपके पास एक सीड स्टॉक होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपके घर में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कोई घर में आकर देखता है क्या, अरे क्या ये क्या, देखते हैं लोग आपके घर में चले जाते हैं, लोग क्या है ये, चाय में पीता हूं ऐसे बोलते हैं, तुम कौन सा इस्तेमाल करते, अच्छा मैं लक्स इस्तेमाल करता, अच्छा 10 रुपए वाला है, मैं तो 120 वाला इस्तेमाल करता, क्या बोलते हैं कौन सा, ये देख आप दिखा सकते ना, ऐसी क्या खासियत 120 वाला, अरे जब भी लगाएगा तो पता चल जाएगा। तो क्या वो बोलूंगा, अच्छा ऐसा है क्या, दे दे आपने अपने एक्सपीरियंस बता दिया तो क्या हो जाएगा, वो खरीदेगा ना, चल एक बार मैं इस्तेमाल करके देखता हूँ। कोई आदमी ऐसे होता है, चलो एक बार तो मैं करके देखता हूँ ना, चाय तो एक बार तो पी के देखता हूँ, देखता है अच्छा लगेगा मैं कंटिन्यू करूंगा, और अपना गारंटी है कि उसने एक बार इस्तेमाल किया तो इस हॉल में वापस वो आया। सेटिस्फेक्शन गारंटी है कंपनी की, बराबर है, जो सो इस्तेमाल करेगा वो कभी किसी सुख को हाथ नहीं लगाएगा, जो चाय पिएगा वो अपनी चाय पीने के लिए वापस आएगा, जो कॉफी पिएगा वो अपनी कॉफी पीने के लिए वापस आएगा, जो बॉडी लोशन इस्तेमाल करेगा वो अपना ही बॉडी लोशन इस्तेमाल करेगा, लिख के ले लो गारंटेड। लेकिन इसके लिए आपको खुद को पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपके घर में वो प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। आपने बॉडी लोशन की बात की है, घर में प्रोडक्ट नहीं है बॉडी लोशन, बराबर दोस्तों कौन सा बॉडी लोशन दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, अरे आपने इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैंने 2 साल पहले इस्तेमाल किया था, 2 साल बाद की बात बता रहा तू, तो व्यवसाय बढ़ेगा क्या आपका। लेकिन आपने बताया ये बॉडी लोशन बहुत अच्छे हैं, ठंडी का मौसम चल रहा है इस्तेमाल कर, अच्छा कैसे ये मैं इस्तेमाल कर रहा, आपने ये आपका जो है इस्तेमाल करने वाला दिखाया, अच्छा सुगंध दिया, अरे अच्छा है चल मेरे लिए, अच्छा ये क्या हो गया। और आपके घर में अगर ये स्टॉक है, सीड स्टॉक है, कम से कम 10,000 रखो। अगर आप लाखों रुपए कमाने के लिए अगर सपने सोच रहे हैं, लाखों रुपए कमाने के अगर कुछ सोच रहे हैं, लाखों रुपये मुझे मिलना चाहिए, तो 10,000 बड़ा तो होना चाहिए ना कम से कम। देखो अब एक पान पट्टी वाला है, एक पान पट्टी वाला है, वो धंधा लगा जाए कितने की इन्वेस्टमेंट करना होगा, 1.5 लाख की बात होगा ना, क्योंकि उसको जगह भी लेनी है, सामान भी भरना है, सब सारी चीजें, अच्छा सब उसने सामान भरा सब कुछ किया, अगर उसने दुकान नहीं खोला तो क्या होगा, चलेगा धंधा होगा क्या, नहीं होगा, बराबर है नहीं होगा। चलो वो सुबह से तय किया, सुबह 6 बजे में खुलूंगा या फिर 8 बजे में खुलूंगा, 8 बजे से रात को 11 बजे तक, बराबर है। और इतना सारा मेहनत करता है, इतना मेहनत करने के बाद उसको बोलते चलो मुझे कम से कम 500,000 तो मिलना चाहिए, बराबर प्रॉफिट 500 रुपए पाने के लिए उसको कम से कम, बराबर 5,000 तो सेल करना चलेगा, 10% तो निकलना चाहिए ना, अगर 10% नहीं मिल रहा है तो धंधा नहीं करेगा, बराबर। तो 5,000 दिन का उसको सेल होना चाहिए, अगर 5,000 सेल होता है दिन का तो महीने का उसको कितना सेल करना पड़ेगा, 1.5 लाख का, बराबर है। तो 1.5 लाख का धंधा जब करेगा तो उसको कम से कितना मिलेगा, 10% के हिसाब से 15,000 मिलेगा ना। अभी मुझे बताइए वो 15,000 पाने के लिए 1.5 लाख रुपया लगाता है, बराबर ना, उसके दुकान में 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख के सामान तभी तो बिकेगा ना। यहाँ पर आपको लाख रुपए पाने के लिए कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अगर आपके अंदर घर के अंदर प्रोडक्ट रहेंगे ना तो आप घर में शांति से कभी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे। आपके जो प्रोडक्ट जो है ना घर में रखे वो आपको बोले चल घर से निकल,
ये बेचना है, ये प्रमोट करना है, बेचना नहीं है प्रमोट करना है। पहली बात इंपॉर्टेंट, बेचना नहीं है, हमें इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। हमें तो बस बेचते हुए दिखा है। अभी देखा ये मॉल में किसी लेके जा रहा है डब्बे वे क्या करता है वो टीवी पे क्या करता है प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, एड करता है। इसका मतलब क्या रहता है प्रमोशन करता है, ठंडा ठंडा कूल कूल मतलब क्या वो प्रमोशन है। वैसे हमें क्या करना है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अगर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो भी आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए, लोग आपके घर में आके ले लेंगे। लेकिन ये प्रमोशन कैसे होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए, आपके अंदर दिखना चाहिए। जो भी बातें करना है जोर से करो, कुछ भी वो विश्वास आएगा, लोग खरीदेंगे, अरे अच्छा कुछ है ये इतने बात बोल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ है। और ये होता है करके देखिए, मैं करता हूं मेरे मिसेस करके, आज भी लोग हमारे घर के अंदर रात में लोग रात देते कभी आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए आपके। तो हम जो बोलते हो क्या बोलते हैं, जो से बोले सच बोलते, ये ऐसा ही होता है इस्तेमाल करके देख लेते और एक बार इस्तेमाल किया वापस आएंगे ऐसे 100%। इसलिए लेडीज के लिए क्या होना चाहिए, घर में सीट्स का होना चाहिए। अभी सोचिए आप एक जगह पे है और आपने एक जगह जाके मीटिंग किया, वहां के आजू बाजू में कोई स्टॉक पॉइंट नहीं है, स्टॉक पॉइंट नहीं है, तो मुझे पता है उस आदमी को देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट लेके जाएंगे। ऐसे कितने कितनी बार करेंगे, कितनी जगह पे जाएंगे, कितनी जगह पे जाएंगे, कितनी जगह पे जा सकते हैं, पॉसिबल है क्या नहीं। उससे बेहतर क्या, अच्छा क्या है कि अगर हर जगह पे आप 10 जगह पे अगर ऐसे आपने 10-10 हजार के अगर प्रोडक्ट हो गए आपके नेटवर्क में तो कितने का बिजनेस पड़ेगा, लाख रुपए हो जाएगा। आपको आपको खुद को लाख रुपए लगाने की जरूरत है क्या नहीं। हर एक आदमी अपने लिए काम करेगा और हर काम वो आपके लिए भी होगा। पान पट्टी वाले को क्या करना पड़ता है, 1.5 लाख खुद को लगाना पड़ता है, खुद को प्रॉफिट चाहिए ना। तो हर आदमी अपने खुद के प्रॉफिट के लिए 10 हजार के प्रोडक्ट भी अगर घर में रख रहा है उसको मूवमेंट कर रहा है। अगर 10 हजार वो आपके ऊपर है कितनी बार मूवमेंट करने का, महीने भर में 10 हजार के प्रोडक्ट 10 बार दें तो कितने का हो जाएगा, 1 लाख का प्रोडक्ट अगर रोटेशन में आ गया, मूवमेंट में आ गया तो आपको प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिस्प्ले कॉर्नर योर होम, आपके घर के अंदर वो डिस्प्ले कॉर्नर होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, अभी नवरात्रि के लिए महीना है ना, अभी हमारे घर में कुछ लोग आए क्या पावती पाड़ने के लिए, आते हैं ना आपके घर में घर में चाहिए आए, वो आए एक आदमी आया, वो लड़का है वो बन रहा था पावती, मैंने पैसे दिया बना रहा था, तो सामने ये क्या है, बस उसने पूछा तो क्या हो गया शुरू, हम तो ये चाहते ये क्या है, अरे ये तुम्हारे लिए है, आप इससे खाना ये तुम्हारे लिए है, आ गया बेचारा आया दूसरे दिन तुम आया चाय लेके गया घर में से रिश्ता पैसे ले लिया। अगर वो कॉर्नर नहीं हो तो क्या पता है मैं क्या करता हूँ, उसने पूछा मैं क्या करता हूँ, ये क्या है आप क्या करते हो, बस उसने की धीरे धीरे क्या करता हूँ, चल गया आपने के कैसे शुरू हो गई, मैं क्या करता हूँ बराबर है। अगर ये आइए प्रॉस्पेक्टिंग आसान हो गया बराबर, आसान हो गया ना, ये बताने के लिए बहुत आसान हो गया कि नहीं, उसने खुद ने उसने मुझे नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, बात तो पूछ लूं ये आसान है। अभी मुझे तो तकलीफ की थी उसको जाके लेंगे उसका टाइम दे देता था उसको बता देता इतना वो आसान था कि ये आसान था, ये आसान हो गया कोई भी गैस वाला है वो क्या है क्या है गैस वाला है उसके कुछ एक है, अरे तुम्हारी ही ये चीज है चाय भी तो हाँ एक मर ले चाय कितना पेड़ बढ़ गया है हो गया शुरू। ऐसे ही लोग आते आते रहे, ये सीट स्टॉक रहेगा, जब ये सीट स्टॉक रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक वो कॉर्नर बनेगा, और कॉर्नर बनेगा तो 100% कोई भी आएगा तो पूछेगा। देखो बहुत सारे करीब रिश्तेदार थे रिश्तेदार बराबर कोई मानते नहीं चीज ना, हम बताएंगे तो क्या मानते क्या नहीं, अगर लेकिन वो घर में आके देखते ये सब लगाए रखा है तो क्या सोचेंगे, बहुत बड़ा है बिजनेस है ना, ऐसे सोचे ना। और क्या बहुत जरूर होती है, जरूर होती है, अच्छा ये ऐसा 120 साल
साबुन इस्तेमाल करता है भाई दस का मुझे भी चाहिए होता है ना जरूर होती है अगर वो वहां पर नहीं है तो क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं क्या कर रहा है किस अभी क्या हो गया तुरंत हो गया प्रॉस्पेरिटी किसको करना है शेयर बड़ा किसको करना है एफिनिटी मतलब क्या हमारे बहुत करीबी बहुत करीबी मतलब क्या बहुत करीबी अरे मैं जो बोलूंगा वो मानेगा ही ऐसे होते हैं कुछ लोग होते ना मैं जो बोल रहा हूँ वो कभी टालता ही नहीं है ऐसे कौन लोग अपने बहुत करीबी होते ना चलो मेरी बहन है वो टालेगी नहीं वो लेगी मेरा दोस्त है वो लेगा ही बहुत करीबी लोग उनको ये पहले क्या करना है इस प्रोडक्ट को क्या करना है शेयर करना है नहीं तो क्या हो जाएगा उसका कोई ना कोई दोस्त आएगा बताएगा तो क्या हो जाएगा फिर क्या बोलेगा अरे तू कर रहा है मुझे तो पहले बोलना चाहिए ना इस्तेमाल कर रहे तो मतलब अपना घर का आपने क्या हो गया मार हो गया अरे एक बार चला गया वो चला गया वापस नहीं आएगा आपके पास बराबर है इसलिए पहले किसको पता है जो बहुत अधिक है वो दूसरा प्रॉक्सिमिटी चलो ठीक है थोड़े दूर की रिश्तेदार है बराबर ज्यादा तो आते नहीं है लेकिन कभी कभार तो मिलते हैं ऐसे लोग है उनसे भी बताना चाहिए कैसे शेयर करना है कुछ मैनुअली कैसे जैसे अभी आया मैंने प्रोडक्ट शेयर किए तो कैसे उसने पूछे ये क्या है तो मैंने क्या बोला तुमने बोला कैसे क्या उसके टेक्निक्स है अभी मैंने बताया कि टेक्निक बताया कि कैसे कैसे किया कैसे किया आज क्या वो रेगुलर कंज्यूमर हो गया बराबर तो उसके टेक्निक भी आपको सीखने पड़ेगा उसमें इंपॉर्टेंट है एक इमोशनल अरे तू मेरा खास दोस्त है अगर क्या तू ऐसा भी लगता है क्या मैं कोई गलत चीज दूंगा क्या भाई इसमें सांस से इस्तेमाल कर रहा हूं एक बार तू भी इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये इमोशनल अप्रोच मेरे साथ भी ऐसे हुआ था वही इमोशनल अप्रोच की वजह से मारी बिजनेस भी हुआ इमोशनल अप्रोच बहुत काम करता है इससे आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता है किसी किसी के साथ में इमोशन रैशनली चलो ठीक है 10 बार आए दोस्त लोग आए रैशनली किया उसको रैंडमली किया चलो आए उनको सबके साथ बात कर रहे इसलिए बात किया उसमें से 2-3 लोग आए 2-3 लोगों ने चलो मुझे चाहिए तो बोला था उस दिन दे दो मुझे आए रैशनली बाद में हैंडल ऑपरेशन कुछ लोग आ गए नहीं नहीं फिर क्या मुझे चाय बोला है वो चाय मैंने अपना घर का पहले चाय लिया बाद में तुम्हारा चाय लिया चलेगा क्या ऐसे होते ना ऑफिशियल आते ना बराबर है या फिर ये मैंने चाय पिया और मुझे कुछ होगा तो ऐसे होते ना तो सिंपल बोलेगा तुमने ताजमहल का चाय पिया कभी तुमने सोचा था क्या अबे ताजमहल का चाय नहीं पियोगा तुमने कुछ होगा तो ऐसा सोचा क्या वहां पर क्यों नहीं सोचा और यहाँ पे क्यों सोच रहे क्या तुझे ऐसा लगता क्या मैं ऐसी कोई चीज तुझे दूंगा क्या हम कहां पर आए इमोशनल अप्रोच में तो ये ऑब्जेक्शन है कि हमें अपना हैंडल करने की बहुत जरूरत है अच्छा तू बोल रहा है बहुत बड़ा व्यवसाय है तो मुझे बता इसमें मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे आते ना और ये मुझे कब तक मैं सफल यहां पर हो सकता हूं मुझे कितने पैसे मिलेंगे हर महीने मुझे 2 लाख रुपए चाहिए मैं कभी मुझे मिल सकता है तुमको कितनी मिलती है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुमको कितने मिलते हैं सिंपल सी बात है अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं तेरे को क्यों पता था सिंपल बात है ना अभी मैं लास्ट वीक में पुणे में गया था मेरे दोस्त आए थे वहां पे वो मुझे उसने मुझे पहला सवाल यही पूछा तुझे कितने मिलते हैं तुझे क्या रखना है वो बड़ा लॉस होने एक बार काम कर चलो मैंने उसको प्लान दिखा दिया फिर इसने वापस पूछा कि तुझे कितने मिलते हैं तुझे क्या लगता है तो समझ नहीं वो ये ऐसा क्या बोल रहा है क्या प्लान समझ में आया क्या फिर वापस तुझे कितने मिल रहा है प्लान समझ में आया क्या वापस तुझे कितने मिलता है अरे बोलो पागल तुझे प्लान समझ में आया क्या फिर उसको लगा मैं कुछ गलत पूछ रहा बोले कॉमन सेंस है कॉमन सेंस अगर मैं 12 साल से इस व्यवसाय में हूं मिलता होगा तो इसमें ना
अभी मुझे बताइए, मुकेश अंबानी कितना बहुत बड़ा एम्पायर है, उसको बहुत सारे पैसे मिल रहा है, वहां पर तो क्यों नहीं जाता, वहां पर तो क्यों नहीं जाता है, मुझे कितना पैसा चाहिए ये मुझे तय करना है, मुझे 2000 चाहिए 2000 मिलेगा, 20000 चाहिए 20000 मिलेगा, या फिर 2 लाख चाहिए तो 2 लाख भी मिलेगा, मुझे कितना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, मुझे कितने मिलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुझे कितना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, तू लीड तुझे कितना चाहिए, अगर तू बोलता है 2 लाख चाहिए ना, तो 2 लाख कैसे मिल सकते हैं वह दिखा सकता हूँ, कैसे मिलेगी रिटर्न, उसके हिसाब से तू काम करेगा तो 100% मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा, मुझे कितना मिलता है वो नहीं है, तुझे कितना चाहिए वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ये बताना जरूर। शेयर द प्रॉफिट, लाइफ टाइम ऑफ योर बिजनेस, इस बिजनेस की एक लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम मतलब क्या आता है ना, इसमें तो लाइफ टाइम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, लाइफ टाइम है ना बचने के लिए, बराबर है, वैसे इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम वो क्या है, ऑलरेडी कंज्यूमर, वो भी कितने होने चाहिए, मिनिमम 20 कंज्यूमर, अगर ये मिनिमम 20 कंज्यूमर आप बना सकते नहीं, बना सकते जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं, आगे मत बढ़ो, इस बिजनेस की सबसे पहली सीढ़ी यही है 20 कंज्यूमर बनाइए, अगर आपको लगता है कि 20 कंज्यूमर में 1 महीने में बना देता हूं, 1 महीने में बना दीजिए, 2 महीने में, 2 महीने में, अगर आपका सपना बहुत छोटा है तो आप 1 साल में बना सकते, लेकिन अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो आप 1 महीने में भी 20 कंज्यूमर बना सकते हैं, अभी ये कंज्यूमर कौन से भी प्रोडक्ट में हो सकते हैं, कोई चाय का भी हो सकता है, कोई सोप का, कोई पेस्ट का, इसका भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, 30 कंज्यूमर क्वालिटी कंज्यूमर, मैंने क्या लिखा है क्वालिटी कंज्यूमर, क्वालिटी मतलब क्या, हर महीना इस्तेमाल करने वाले, ऐसा नहीं है कि एक बार लिया फिर 1 साल के बाद है, वो आपके क्वालिटी कंज्यूमर नहीं है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो आपके क्वालिटी कंज्यूमर है, जो हर एक महीने के बाद जरूर ले लेंगे, सोप करते हैं सोप लेंगे, चाय खत्म हुई चाय लेंगे, कंज्यूमर, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया, कंज्यूमर, जब भी आप कंज्यूमर बनाएंगे 20 कंज्यूमर तो उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करेंगे सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी लोग क्या करेंगे, इसमें मुझे कैसे कुछ मिलेगा क्या, ऐसा अगर होगा ना मुझे कुछ मिलेगा क्या, या फिर जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक सवाल तो पूछ सकते हैं, एक बात तो कर सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट फ्री चाहिए क्या, फिर आ सकते हैं ना, प्रोडक्ट फ्री चाहिए बोलेंगे तो क्या बोलेगा, कैसे मिलेगा, फिर आ जा डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, फिर आप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये कैसे प्रोडक्ट फ्री होगा, अगर 20 कंज्यूमर बनाएंगे ना तो ये आपके आपके जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, भाई मुझे बताइए टाटा जमशेद टाटा जिन्हें बिजनेस शुरू किया था वो आज है क्या, नहीं तो हो गया ना, चले गए इस दुनिया से चले गए, लेकिन इन्होंने जो आज बिजनेस खड़ा किया है एम्पायर खड़ा किया वो आज ही चल रहे, कभी ऐसे आपने सुना है क्या कि टाटा कंपनी बंद हो गई, नए नए वहां पे और क्या होगा, नए नए बिजनेस खुल रहे शुरू हो रहे हैं, बराबर, वैसे ही जो अभी कैसे चल रहा है ऑटोमेटिक चल रहे ना सर, ऑटोमेशन भी चल रहा है ना, वैसे ही है आपका जो व्यवसाय है आप रहे या ना रहे ये बिजनेस आपको ऑटोमेशन के लिए चलता ही रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, वो कभी चलेगा जब भी आप ये अगर आपके पास एक कंज्यूमर रहेंगे ना तो वैसे ही बिजनेस आपको ऑटोमेटिक एक्शन में ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा और चलता रहेगा, कौन सा क्या होता है उसमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन रेगुलर बायर्स इंस्टेड ऑफ गोल्डन एग्स, आपने देखा है ना वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, मालूम है ना वो कहानी मालूम है ना आपको, आगे उसने क्या किया, एक बार अंडा चाहिए बहुत सारे अंडे रहेंगे इसलिए क्या किया उसने काट डाला, और इस व्यवसाय में सोने के अंडे देने मुर्गी कौन सी मालूम है, सोने के अंडे कौन से, ये आदित्य, ये सोने के अंडे जो क्या बोलते थे पेशेंट ढूंढ लिया तो क्या हो जाएगा वो आज खाना शुरू करेगा, ठीक है मेरी बीवी बन गए मेरा बिजनेस हो गया, लेकिन क्या हो जाएगा वो कुछ समय के लिए, अगर आपने किसी पेशेंट को दिया कुछ समय के लिए तो बीमार ठीक होने के बाद ले पांच मिनट वो खाएगा क्या, बंद करेगा, मतलब क्या आपने मुर्गे को क्या किया काट डाला,
लेकिन उससे अच्छा क्या है, अगर उसने आपको बता दिया ये चाय, ये कॉफी, ये पेस्ट, ये सोप, ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो अच्छी चलती रहेगी। तो अभी क्या हो जाएगा, वो रेगुलर कंज्यूमर बनेगा, रेगुलर प्रोडक्ट खाता रहेगा, रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, तो ये सोने वाले अंडे वाले मुर्गी जो है उसकी तरफ से देखना है, जो रेगुलर बायस है ना उसकी तरफ आपको देखना है। अगर आपको सपना छोटा है तो आप साल भी रख सकते हैं, और सपना बहुत बड़ा है तो आपको एक या दो महीने भी काफी है ये कंज्यूमर बनाने के लिए। बिल्ड नेटवर्क कैसे करना है, इनवाइट रेगुलर कस्टमर्स टू बी योर, जो कस्टमर आपके हैं जिन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया है उनको क्या करना है, अभी उनको बी योर के लिए इन्वाइट करना है। अभी अभी पता है कि आप जो चीज बताएंगे वो आपको आप किसमें जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको भी नजदीकी है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा। इसलिए क्या करना, बेहतर क्या होगा, आप अगर आप योग के लिए इन्वाइट करते हैं यहाँ पर आके बुलाते हैं तो अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट, एक विश्वास कुछ अंदर बढ़ आएगा। ठीक है, ये जो मेरा दोस्त है, मेरा जो रिश्तेदार है, ये बता रहे वो सही बता रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर आना है। फिर क्या हो गए, वो ट्रेनिंग के लिए क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा, तभी वो सिद्ध करेगा। ठीक है, साइन के रिमाइंड ये, अभी आगे मीटिंग खत्म होने के बाद क्या करना है, तुरंत क्या करना है, फॉर्म साइन करना उनको, और क्या करना फिर उसको एक्टिव पार्ट लिया, फिर दूसरा वापस बैठना है। तो आपको क्या लगता है, आप भी ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या होता है, उनकी लिस्ट बना दीजिए, क्या करें उसको एक्टिव करता है तुरंत, नहीं तो क्या होगा, अभी ज्वाइन किया लेकिन दो घंटे बाद जाएंगे उसके पास, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं चलेगा क्या, नहीं। आज जिसने साइन अप किया कम से कम फल जाकर घर जाके बैठो, जो तुम्हारे लिस्ट बना, तुम्हारे कस्टमर कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करो, क्या करना पड़ेगा आपको, एक्टिवेट करना पड़ेगा। कस्टमर जो है क्या बोले, चलो आप मेरे ऑफिस में आइए, अगर मेरे लिए हम बोला और अगर आप जॉब पे आइए आए मेरे कॉफी मेरे ऑफिस में आए ऐसे बोलते ना, तो क्या करना, आपको भी क्या करना है, ऑफिस में बोला है, अरे मेरे ऑफिस में आए बच्चे में क्या करती है, और ऑफिस बोला ये बड़ा ऑफिस सिखाइए, कॉफी बना दीजिए, कॉफी कॉफी कैसी बनानी है, कॉफी कैसी बनाएंगे, अगर वो कस्टमर है वो मान लो कस्टमर सूख का है, साबुन का कस्टमर है, आपने उसको ऑफिस में बुलाया, कॉफी देंगे, अभी कॉफी देंगे, आपके जो कप सर मिलते हैं कॉफी देंगे, अभी आप कॉफी कैसे बनाएंगे, आपने पाउच निकला ना, पाउच निकला क्या करना, आपको जो पाउच है वो आधा पाउच कम से कम आधा पाउच उसका पूरा, क्योंकि वो देखता है आप कितना डाल रहे हो, अगर आपने इतना सा डाला इतना सा तो क्या करेगा, वो भी क्या बोलेगा, अरे इतना से डालना पड़ता है आपका किसी बढ़ेगा तो ठीक क्या होगा, फिर बोलते ना अरे उसमें थोड़ा बहुत खरा हो, वही होता है उसने एक ही लिया है तो वो छह महीने तक चलाना है। मेरा एक दोस्त था उसने एक बार कुकुस लिया था, कुकुस बोला अरे कुकुस खत्म नहीं होने चला रहा है, एक साल चल रहा है कुछ ही, वो कैसे चला होगा, उसने देखा ही था तो कुकु जी, मैंने एक बार क्या किया सीधा वो पाउच निकाला तो मुंबई से आ गया, अरे पूरा पूरा का पूरा खा लिया, पूरा ही पूरा खाना उसका, ये बाद में क्या हो गया, एक महीने खत्म होने लगा कुकु जी। मतलब क्या, हम जो करते वो डुप्लीकेशन में आता, अभी कॉफी बनाने के लिए क्या करना है, कम से कम आधा पाउच कपड़ा लगा, कम से कम अगर थोड़ा आ गया तो अच्छा है, कॉफी भी अच्छी बनेगी ना, या फिर क्या करेंगे कॉफी भी डाल दीजिए, कोकोज भी डाल दीजिए और अच्छा ही बनेगा स्वाद, ऐसे आपको बुला कॉफी के लिए बुला है। और क्या करना, हमेशा अच्छा रहना अपने बिजनेस के लिए, कॉफी बनाने के समय कैसे कॉफी बनाने जैसे किसी ने एक्सरे रहना चाहिए ना, कॉफी बनाए अगर आपका चेहरा ऐसे रहेगा तो क्या रहेगा, आप एक्सरे रहेंगे तो क्या रहेगा, उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आ जाएगी, हम एक्साइटमेंट पास करते हैं, क्या करना है फिर शेयर टेस्टिंग, टेस्टिंग शेयर करना है, क्या करना है, अरे मेरा जो दोस्त
उसका जो भाई है ना उसने वो कॉफी लिया था तो उसको ये फायदा मिला, तीसरे व्यक्ति का टेस्टिंग नंबर बताने का बेचा तो वो फायदा कर गया, वो आएगा उसने लिया था। अब तुझे पता है वो सुबह उसका जो भाई था ना उसने लिया, उसको बहुत अच्छा लगा। अरे उसका उसका जो लड़का है ना उसके लड़के ने कोको से लिया और जो बहुत आराम है उस लड़के को बहुत अच्छा लगा। क्या करना है शेयर टेस्टिमनी, दूसरे को टेस्टिंग बताया सुबह सैंपल ऑफ ओनर्स चेक, मतलब क्या करना है क्या पता है तुमको कितना चाहिए। देखो ये जो कोको से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कोको से अगर नहीं पता तुम्हारे ऐसे कितने लोग है जिनके जिनके छोटे बेटे लड़के हैं बहुत सारे। अच्छा चलो तो कितने हो सकते हैं, कम से कम 50 है ऐसे है ठीक है। देखो 50 अगर लोगों को हम नहीं कोको से दिए तो तुम्हारा बोनस के कितना पड़ेगा, कितना बन सकता है हमने बता दिया ना। 605 में हमें मिलता है और डेढ़ मार्जिन जो अभी एमआरपी जो अभी चल रही है 820 की चल रही है, इतना डेढ़ मार्जिन मिल जाता है वो देखने मिल सकता है तो तुम्हारे तुम्हारा बोनस से कितना। उनको कैंपेसिंग करके दिखाना है, सैंपल दिखाना है, लोगों को सैंपल चाहिए बरबर ना, कुछ सैंपल मिलेगा क्या पूछते ना। तो वैसे इस बिजनेस में मुझे लाख रुपए चाहिए गारंटी है, ये एक सैंपल है बरबर। तो 50 लोगों तक पहुंचता है मुझे इतना मिलेगा, ये सैंपल हो गया उसको तो क्या आया कॉन्फिडेंस आएगा चलो ठीक है करके। सेट शेड्यूल, शेड्यूल सेट करना बहुत जरूरी है, तो क्या शुरू नहीं रहेगा आज किसके बारे जाना है, कब किसके बारे जाना है, किसका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए बगैर कभी जाना नहीं है। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो देना है, अपॉइंटमेंट लेके ही चलना है। साइन अप विल ऑलरेडी मीट योर प्रोस्पेक्ट आफ्टर सेमिनार, सेमिनार के बाद क्या करना है प्रोस्पेक्ट जो आपने जो लोग आए हैं आप उनको पहले मिलना है, उनसे बात करना है, क्वेश्चन उनको सवाल पूछना है, उनके क्या कुछ सवाल रहेंगे उनको क्या करना है जवाब देना है। और क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेंबर्स बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है या आप ले लीजिए साइन अप कीजिए और नेक्स्ट टाइम से क्या कि अभी आप थोड़ा आप यहाँ पर आपके आके खरीदारी कीजिए ठीक है। रिटेल डेस्टिनेट टेस्टिंग में दूसरे कोई है क्रॉस लाइन कोई है तो पता चलिए देखो ये है ये इसलिए आए थे, इनको भी ये तकलीफ था इसलिए आए थे, आज इसमें आके ये व्यवसाय करते हैं तकलीफ दूर हो गई आज व्यवसाय कर रहे क्रॉसलाइन का टेस्टिंग बनाए जो है एक क्रॉसलाइन टेस्टिंग भी बता चुके। अगर आपके आकलन है तो बेहतर अच्छे है, आप अपलाइन से बात करवा दीजिए अपलाइन टेस्टिंग भी बता देगा। लीड देम वेयर टू परचेज, कहां पर परचेज करवाना है उनको बताना जरूरी है। अगर मान लो वो बोर्ड में साइड करते क्या होना है मुझे यहाँ पर बाहर आने के लिए तकलीफ लेगी, ये काम करो पानी भी ले लेना बराबर, पानी भी लेना नहीं मुझे मैं मुझे रहता हूँ मैं घाटू में कभी काम नहीं है बोलना भैया।